हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, है ना, तो चूंकि ज़्यादा क्वेश्चंस है ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको इसमें कर दूँ डिस्कस। और कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुका है ना, और ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो, UPPCL का, है ना, एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, है ना। तो चलो नेक्स्ट शुरुआत करता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक्चुअली हाँ क्वेश्चन नंबर 32, है ना, 32 पे चलते हैं। ये देखो बहुत आराम आसान सा क्वेश्चन है ना, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछ रहा है लोड का, एट द लोड आराम से निकाल सकते हो आप फार्मूला से, है ना, और ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो थोड़ा तेज़ी में चलूँगा, है ना, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 200 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एटेनुएशन कांस्टेंट अल्फ़ा, है ना, प्लस फेज कांस्टेंट बीटा, अल्फ़ा और बीटा पूछ रहा है ना। आराम से आप बना सकते हो, अल्फ़ा रूट आर जी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो नेक्स्ट 34, नेक्स्ट चलता हूँ 34 पे। यहाँ पे मैच करना है आपको, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है आपके, आसान सा है। मूव जो होता है ऑपरेशन आपको वो लेते हैं 1 मशीन साइकिल, है ना, और अगर किसी में आपका मेमोरी अगर इन्वॉल्व हो गया तो वहाँ पे 2 होगा, एक मेमोरी रीड का और एक मूव का, है ना। तो ऑप्शन ए 2 का D, है ना, और मतलब थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जस्ट शॉर्ट में, LDA 3000 है ना, तो यहाँ पे लोड का हो जाएगा आपका 1 और एड्रेस का हो जाएगा आपका 2, है ना, और ये 2 एड्रेस है तो उसका लोड का भी 2 हो जाएगा, तो 4 मशीन साइकिल आपका हो जाएगा। और LXI है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे LXI का 1 और ये जो है 2 डेटा है ना 8-bit का F0 F1, तो इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये आसान सा क्वेश्चन है, क्लैम्पर है आपका, है ना, और ये कौन सा क्लैम्पर है, निगेटिव या पॉजिटिव, तो ये निगेटिव क्लैम्पर है ना, डायोड के देख सकते हैं डायरेक्शन से, निगेटिव क्लैम्पर ऑप्शन ए करेक्ट है ना। क्लिपर तो है ही नहीं, क्लिपर में क्या होते हैं, क्लिपर में कुछ वोल्टेज लगा देते हैं, वोल्टेज लेवल लगा के और कट करते हैं, पीक डिटेक्टर नहीं है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर भी नहीं है, क्लैम्पर सर्किट है आपके। चलो नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट इसमें है आपका RLC सीरीज दिया हुआ है, इसमें आपको सिंपल निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, है ना, और हाफ पावर जहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी अगर वहाँ पे निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट कर दो 1/√2 आ जाएगा, है ना, फॉर्मूला है ये, नेटवर्क का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है ना इन ADC, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आसान सा क्वेश्चन है, एटलीस्ट ट्वाइस द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, इन FS इज हायर देन 2 FM, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलता हूँ, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, पोलर प्लॉट दिया इसका आपको वो बताना है ना, एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री, फेज किस क्वाड्रेंट में होगा वो आपको, है ना, आसान सा क्वेश्चन है, इसका ड्रॉ कर लो आप, देखो हाँ कहाँ कट कर रहा है, तो 90 डिग्री, -90 और -180, या सिंपल इसको बोल दो आप 180 और ना 270, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कोएक्सियल केबल का जो है रेशियो निकालना है ना, वेवलेंथ का रेशियो कोएक्सियल केबल में, आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, रूट में हो जाएगा एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R1। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है आपका, क्वांटाइज्ड 8-bit कर दे रहा है ना, स्टेप साइज कितना होगा, आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट है ना, 3/128, निकाल लो इसको, है ना। चलो नेक्स्ट चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये इसमें आपको कम्युनिकेशन का है ना, और S1 S2 S3 दिया हुआ है, देख लो आराम से, ये जो है पूछ रहा है कि कौन सा इसमें प्रॉपर्टी है, ऑप्शन बी करेक्ट है ना, S1 S2 S3 S4 सारा करेक्ट है ना, सारा करेक्ट है। चलो और देख रहे हो कि है ना सारा आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ साइड नहीं है। ये देखो ये मेरा सिली मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे वो ग्राफ बना के और कॉस साइन में है ना वो प्रॉब्लम थोड़ा हो गया। चलो आसान ही क्वेश्चन है ये, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, मैंने ऑप्शन
बी चूज कर लिया था। चलो मेरा गलत है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाइनरी ट्रांसमिशन है ना। ये भी आसान मतलब थोड़ा सा है ना, लंबा लग सकता है क्वेश्चन, बट ये भी क्वेश्चन जो है आपका ज़्यादा टफ साइड नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, नहीं ऑप्शन ए करेक्ट है, बट मेरा ऑप्शन डी, हाँ मेरा ये रॉन्ग हो गया। इसका आप सिंपल ग्राफ बना के और वहाँ से आप इसका निकाल लो, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है ना, थ्रेशोल्ड डिसीजन डिवाइस, हाँ है ना, इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करो और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो, है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर, ये आपका नेटवर्क का है ना, इम्पीडेंस जेड टू दिया हुआ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर प्रोवाइड जेड टू हैज नो रियल पार्ट, है ना, तो आसान सा क्वेश्चन है। तो सिंपल क्या है, उसका जो रियल पार्ट नहीं है तो सिंपल माइनस फोर जे हो जाएगा, तो पूरा जो है आपका वो इंडक्टेंस है ना और कैपेसिटेंस है उसको कैंसिल कर देंगे, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, है ना, सिंपल ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका बाकी कॉन्सेप्ट देखो अच्छे से, है ना, समझ आ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है ना, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी करेक्ट है आपका, है ना, डी रॉन्ग है आपका। इसमें बोल रहा है कि कंट्रोल सिस्टम में ना रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेफ्ट साइड, हाँ सही है ना, स्टेबिलिटी के लिए बोल रहा है, और ऑप्शन बी है बाउंडेड आउट बी आई वी स्टेबल, सही है, स्टेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट, हाँ ये भी सही है। डी में क्या बोल रहा है, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर ऑन द लेफ्ट हाफ, नहीं जे ओमेगा एक्सिस पे अगर रहेगा तो फिर स्टेबल नहीं हो पाएगा ना, ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया ना। चलो 45 हो गया। चलो मैं ट्राई करता हूँ, है ना, कि मैक्सिमम एक से दो वीडियो में सारा बता दूँ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलता हूँ, ये आसान सा क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, और यहाँ पे आपको ए इन्वर्स निकालना है, आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऐसे बना ही सकते हो आराम से। चलो ये क्वेश्चन है आपका सिग्नल सिस्टम का, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पे आपको एक्स ई टू द पावर जे पाई पूछ रहा है, तो सिंपल उसको ऐड कर दो आप, है ना, एक फॉर्म इसका वो है प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व करो आराम से। चलो नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 पे, 48 में ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे भी ये ए एम का एफिशिएंसी पूछ रहा है ना, और एफिशिएंसी ऑफ ए एम पूछ रहा है, बाकी आपको 100% दिया हुआ है ना, ए एम मॉडुलेशन सही है, 33% होता है ना, 1/3 सही है, आराम तो आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट, यहाँ पे क्या है टी यू एफ जो होता है ब्रिज एक्टिफायर का 81.2 होता है, और सेंटर टैप का होता है 69.2, है ना, ये याद रखना आप। अब देख लो आप यहाँ पे कुछ डेटा भी है ना पूछ रहे हैं, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, इस टाइप से डेटा बहुत सारे होते हैं, हाफ वेव है ना, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, सारा का डेटा, टी यू एफ कितना होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, और आरएफ क्या होता है, रिफल फैक्टर, पीक फैक्टर है ना, क्रेस्ट फैक्टर, सारा आप याद करो अच्छे से। तो चलो ऑप्शन ए करेक्ट है ना 49 का। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट, आसान सा क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी है ना टू पोर्ट, तो y1 = 2 = 1, आसान सा क्वेश्चन है ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 51, ये भी आसान सा है ना, आपको डीसी करेक्टर आईसी निकालना है, जबकि आईसी भी सब दिया हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। चलो ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, देखो इस सॉल्व में थोड़ा सा किया हूँ ना, ये देखो अब वहाँ एग्जाम में आपको है ना इस टाइप से कैलकुलेशन है ना बहुत फास्ट करने पड़ते हैं ना, ताकि टाइम बहुत कम रहता है ना। चलो यहाँ पे नेक्स्ट चलता हूँ 52 नंबर पे, 52 पे ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे रूट लोकस है ना, रूट लोकस का आपको पॉइंट दिया हुआ है, -4, -6, -8 है ना, ओपन लूप, तो आसान सा है, एंगल कितना होगा, एंगल के लिए आप उसका है ना वो ग्राफ ड्रॉ करके और वहाँ एंगल निकाल लो, है ना, एंगल 0 आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे आपका पूछ रहा है, ये भी आसान सा है ना, ओनली S1 S2 करेक्ट है, S3 रॉन्ग है, इसमें क्या है FFT के बारे में पूछ रहा है, FFT में देखो S1 में बोल रहा है इनपुट बिट रिवर्स करेंगे, आउटपुट जो है वो होगा नॉर्मल में, सही है, इनपुट अगर कॉम्प्लेक्स एडिशन जो है मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, सही है। अब ऑप्शन 3 बोल रहा है S3 इनपुट
इज इन बिट रिवर्स ऑर्डर एंड आउटपुट ऑल्सो रिवर्स, नहीं गलत है ये, चेंज हो जाता है दोनों ना, इनपुट रिवर्स करेंगे आउटपुट नॉर्मल रहेगा, है ना, इनपुट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। जस्ट शॉर्ट आपको है ना बता रहा हूँ, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आपको कंसिडर ए सोर्स विथ फोर सिंबल दिया हुआ है, एंट्रोपी निकालना है आपको, है ना, वो क्या बोला, एंट्रोपी मैक्सिमम हो तो इक्विप्रेबल हो, है ना, आसान सा, ये तो थ्योरी ही है, इक्विप्रेबल का आपका एंट्रोपी आपका मैक्सिमम होता है ना, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 55, रेंज ऑफ बीटा, ये देखो ये बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन था, है ना, ऑप्शन सी 2 से 20 से 500, है ना। अब बताओ देखो यहाँ पे 2 हो नहीं सकता है ना मिनिमम रेंज, और 5 भी नहीं हो सकता है, है ना, और देखो यहाँ पे ऑप्शन कैसे आप मतलब वो कर सकते हो, देखो 50 से ज़्यादा भी होता है ना, 99 देखते हो आप, 99 रखते हैं ना, जब होता है मेरा करंट मिरर सर्किट या एम्पलीफायर बन होता है उसमें बीटा रहता है 99, है ना, या कभी कभी 199, तो 50 तो 2 से 50 होगा ही नहीं, है ना, और 199 तो 100 से ही आगे निकल गया, ऑप्शन ए भी कट हो गया, ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी रॉन्ग क्यों हो गया, 400 तक तो ठीक है आप समझ सकते हैं, बाकी 100 है ना ये इससे नीचे भी जाएगा, 49 जाएगा, और 19 भी होता है, 19 मतलब जो आपका होता है पावर एम्पलीफायर, उसका आपका 25 भी होता है ना, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, रेंज ऑफ बीटा, क्योंकि पावर बीजेटी में आपका होता है ये 25 35, और जो एम्पलीफायर होते हैं वहाँ पे आपका 199 होते हैं ना, सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 56 पे, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पे मेरा रॉन्ग हुआ, ये है टू इन वायर ट्रांसमिशन लाइन, है ना, यहाँ पे आपको पूछ रहा है लाइन ऑपरेट्स एट द फ्रिक्वेंसी ऑफ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है मतलब अच्छा है, इसमें आप जो है इसका पहले फार्मूला लगाओ, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, मेरा रॉन्ग हो गया ये ऑप्शन, चलो ठीक है इसको देख लेना आप, है ना, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, है ना, यहाँ पे क्या है थोड़ा फोकस में दिक्कत हो रहा है, हाँ यहाँ पे देखो क्या है, Z1, Z2, Z3, Z2 दिया हुआ है ना, और इसमें पूछ रहा है आपको जेड पैरामीटर मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, आसान सा क्वेश्चन है, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, सिंपल आपका ऐड हो जाएगा अगर सीरीज में कनेक्ट है तो, और ये जो है ये देखो मेरा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे है द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन 30 और 40 है, है ना, और AM उसका दिया हुआ है 70, इसमें आपको डिफरेंस पूछ रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन में, ये मेरा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे ऑप्शन बी मैंने 1 चूज किया, आंसर 3 है, चलो ये मेरा रॉन्ग हो गया, इसको देख लेना आप, है ना, देखना 59 चलते हैं, यहाँ पे है इन ए फुल वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी आपका दिया हुआ है 60 हर्ज, है ना, आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या हुआ, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब सही है आपका, फुल वेव में होता है डबल फ्रीक्वेंसी ना, तो 60 × 2 120, सही है, ऑप्शन सी करेक्ट, आसान सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 60 पे, यहाँ पे क्या है आपका एडमिटेंस मैट्रिक्स निकालना है ना, सिंपल इसका दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, अगर मान लो आपका एडमिटेंस निकालोगे क्या करोगे, शॉर्ट करोगे, और वन साइड अगर शॉर्ट कर दिए आप यहाँ पे, इधर भी शॉर्ट हो जाएगा आपका, है ना, तो ये निकाल ही नहीं सकते, ऑप्शन सी करेक्ट है ना, इनडिटर्मिनेट होगा, मतलब नॉट एबल टू सॉल्व, निकाल ही नहीं सकते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, यहाँ पे आपको सिंपल सा इसमें के का निकालना है वैल्यू, तो निकाल दो आराम से, आसान से क्वेश्चन है, 5 हो जाएगा आंसर, है ना, सिंपल इसका आप वो निकाल लो, ए इनवर्स निकाल के, है ना, और अरेंजमेंट कर लो उसका, देखो कि कोएफिशिएंट ऑफ ए कितना आ रहा है, ए स्क्वायर है ना आई ए इनवर्स और ए का कोएफिशिएंट चेक करना है, आसान से, है ना, 5, चलो ऑप्शन बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 62, ये देखो मेरा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे कम्युनिकेशन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से बनाना, एरर इसमें निकालना है ना, इसमें निकालना एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ये ऑप्शन सी मैंने चूज किया है 0.12, ऑप्शन 0.5 करेक्ट है, चलो इसको देखना आप अच्छे से बनाना, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे ये ऑप्शन सी सही है मेरा, यहाँ पे जो है
इसको ब्लॉक बाय ब्लॉक सॉल्व करो आप। पहले स्क्वायर लॉ है, फिर कैपेसिटर है, फिर लो पास फिल्टर है ना, फिर DSPSC मॉड्यूलेशन है। तो इसको आप सॉल्व करो तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, है ना। ये आपका दिया हुआ सिग्नल ये रहे ना, sin 4θ + cos 2, है ना, मतलब वो 4θ π t ऐसे करके, 40 है, 40 और प्लस cos 20 π t, सॉल्व कर लो।